अगर आप स्वयं की हाईटेक मिनी डेयरी खोलना चाहते हैं तो आपके पास शानदार मौका है। आप हरियाणा सरकार की इस विशेष योजना में आवेदन करके सरकारी मदद से मिनी और हाईटेक डेयरी खोल सकते हैं। प्रदेश सरकार यानी मनोहर सरकार ने इस योजना को खासकर युवाओं के लिए शुरू किया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए राज्य की मनोहर लाल सरकार केंद्र के साथ मिलकर कई विशेष योजनाएं चला रही है। ऐसे में पशुपालन क्षेत्र में बढ़ते रोजगार के अवसर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने छोटे किसानों और युवाओं के लिए हाईटेक और मिनी डेयरी योजना शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को इनकम का सबसे अच्छा स्रोत मानते हुए प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी और हाईटेक डेयरी खोलने के लिए युवाओं को सब्सिडी और कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा दे रही है, ताकि किसान और युवा स्वयं का रोजगार शुरू कर अपने लिए आय का जरिया बना सकें। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि प्रदेश में अब तक 13,244 डेयरियां स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही पशुपालन के लिए पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य में पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंकों द्वारा प्रदेश में अब तक 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड लाभार्थियों को दिए गए हैं। जैसा हमारा किसान है, संयोग से भूमि जोत ये छोटी होती जा रही है, जोत छोटी होगी तो वैकल्पिक साधन इसकी भी आवश्यकता है, तो उसको तलाशने के लिए अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में ये जो दूध उत्पादन का व्यवसाय, ये हमारे किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए और खास करके जैसा मैंने बताया हाईटेक और मिनी डेयरी, इसका जो उपयोग होगा इससे रोजगार के अवसर उसके बढ़ेंगे। इस योजना के अंतर्गत हम 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत का 25% सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 या 3 पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% तक भी हम उनको और एक प्रकार से सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा 20 या इससे अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने अभी तक 13,244 डेयरियां ये स्थापित कराई है। पशुपालन के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उस पूंजी की आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए हमने बैंकों से योजना बनाई है और इसके लिए विशेष योजना में पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड, इस योजना को शुरू किया है। और इस पशुपालन क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अभी तक 1,60,000 रुपए का जो ऋण है इस कार्ड पर मिलता है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। दूध उत्पादन अधिक कैसे बढ़े, इसके लिए हमने विशेष प्रोत्साहन योजना बनाई है। सरकारी दुग्ध समितियों का जो दूध उत्पादक है उनको 5 रुपया प्रति लीटर ये प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। हमने छोटी जो डेयरी है और खास करके देसी नस्ल, इसको बढ़ाने के लिए गौ संवर्धन की दृष्टि से भी 3 से 5 गांव की डेयरी लगाने वाले पशुपालकों को 50% का अनुदान अलग से देने की नई योजना भी बनाई है। और इसके अतिरिक्त जिन परिवारों की आय बहुत कम है, ऐसे परिवारों को अलग से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत अभी तक 60,000 के आसपास ऐसे युवक हैं जिन्होंने इस योजना को प्राप्त करने के लिए स्वीकृति दी है। हम लोगों ने उनके नाम बैंकों में भेजे हैं। 20,000 से अधिक आवेदकों को रोजगार के लिए ऋण मिल भी चुका है। आप भी कोई ना कोई अच्छा सुझाव हमको दे सकते हैं। अच्छा सुझाव देने के लिए खास करके पशुपालन विभाग की ओर से एक नंबर जारी किया गया है, आप उसको नोट करना चाहें कर लें। उसका जो नंबर है 9500112261। पुनः बोल रहा हूँ 9500112261। इस पर हम अपनी बात बता सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, आपकी कोई कठिनाई हो इसके से भी अवगत करा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने छोटी डेयरी और देसी नस्ल की गायों को बढ़ाने के लिए गौ संवर्धन की दृष्टि से 3 से 5 गाय की डेयरी खोलने वाले पशुपालकों को 50% अलग से अनुदान देने की नई योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में जिन परिवारों की आय बहुत कम है, ऐसे परिवारों को अलग से मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के अंतर्गत 60,000 के करीब युवाओं के आवेदन को स्वीकृत कर बैंकों को भेजे गए हैं। खास बात यह है कि करीब 20,000 से अधिक आवेदक युवकों को स्वयं की डेयरी खोलने के लिए ऋण मिल चुका है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने सहकारी दुग्ध समितियों के दूध उत्पादकों के बच्चे के लिए भी
छात्रवृत्ति योजना शुरू कर एक नई पहल की है। ऐसे में सरकार की ये योजनाएं कहीं ना कहीं लोगों के लिए लाभप्रद होने वाली हैं, क्योंकि जब से हरियाणा में मनोहर लाल सरकार बनी है तब से सरकार जनता के लिए अनेकों ऐसी योजनाएं लेकर आई जिसका सीधा लाभ जनता को पहुंचा, और इसी उद्देश्य को लेकर मनोहर सरकार चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के प्रयास लगातार कामयाब हो रहे हैं और हरियाणा प्रगति के पथ पर अग्रसर है।